AMD ने अपने ब्रांड न्यू ग्राफिक कार्ड्स लॉन्च कर दिए जो कि सही में बहुत अच्छे हैं। AMD की कार्ड्स तो अच्छे थे लेकिन कभी कभी उनकी टाइमिंग खराब होती है और पावर में तो उनकी ऐसी तैसी है, यानी कि उनके कार्ड्स पावर बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है, 7 नैनोमीटर के प्रोसेस पे है, NVIDIA भी 12 नैनोमीटर के प्रोसेस पे और AMD 7 नैनोमीटर के प्रोसेस पे है। तो आइए देखते हैं इन ग्राफिक कार्ड्स में कितनी दम है और प्राइस इनकी कितनी है, अपने इंडिया के हिसाब से कैसे हैं। आइए बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में। अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो गया है बहुत ही आसान बिगिट ऐप के द्वारा। बिगिट USA, UAE और इंडिया जैसे देशों में सबसे बड़े ई कॉमर्स मार्केट्स में से एक है, जहां 2000 डेली विजिट्स होती हैं, 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 5000 ट्रांजैक्शंस हर महीने होते हैं। और तो और कस्टमर्स का डाटा भी सुरक्षित है। बिगिट पर आपको कई कैटेगरीज मिलेंगी जैसे क्लासिफाइड, सर्विसेज, जॉब्स, प्रॉपर्टी, मोटर। bigit.com पर साइन अप करने पे आपको मिलता है शुरुआत में फ्री प्रोडक्ट्स लिस्टिंग, दूसरे पोर्टल्स के मुकाबले में किफायती दामों पर लिस्टिंग पैकेज, बेहतर एक्सचेंज वैल्यू, बहुत से देशों में बहुत से लोगों तक पहुंच, कम दामों में ज्यादा रिजल्ट्स, कम समय की खपत और भी बहुत कुछ। बिगिट आपकी खरीदने और बेचने की सभी जरूरतों के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। बिगिट का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। AMD ने कहा हम अपने नए ग्राफिक कार्ड ला रहे हैं, तो NVIDIA ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हम भी ला रहे हैं। तो AMD ने अपना फिर पत्ता चला कि हम अपने प्राइस कम कर देंगे, तुम अपने नए कार्ड ला रहे हो तो आप ये तमाशे देख ही रहे हो। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे चलेगा। अभी आप NVIDIA को देखोगे अपने प्राइस ड्रॉप करते हुए, फिर AMD और प्राइस ड्रॉप करेगा, ये होगा, आप मेरे से लिख के दे लो। लेकिन आज बात कर लेते हैं जो नए कार्ड्स लॉन्च हुए हैं 5700 और 5700 XT, ये कितने अच्छे हैं। पहली बात तो मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लूं कि इनमें आता क्या है। RX 5700 पे आपको मिलते हैं 2304 स्टीम प्रोसेसर, 8GB की VRAM, प्राइस इसका करीबन $350 है, यानी कि अपने आप 32,000 है। बोर्ड पावर चूसता है 180 वॉट की, बेस क्लॉक इसकी है 1465 मेगाहर्ट्ज की और बूस्ट क्लॉक है 1625 मेगाहर्ट्ज की। वहीं दूसरी तरफ है RX 5700 XT, जिसकी बेस क्लॉक है 1605 मेगाहर्ट्ज की, बूस्ट क्लॉक है 1755 मेगाहर्ट्ज की। स्टीम प्रोसेसर आपको मिलते हैं 2560, VRAM आपको 8GB मिलती है, प्राइस इसकी करीबन $400 है अमेरिका में, अपने इंडिया में भी 37,000 का आ रहा है और आप चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बोर्ड पावर वो चूसता है 225 वॉट की। देखो अभी मैं आपको गेम बता रहा था ना कि AMD ने मेरे प्राइस ड्रॉप कर दिए, लेकिन साथ में NVIDIA का आप ये भी ख्याल रखो कि वो दो गेम भी फ्री में दे रहे हैं, उसकी भी वैल्यू जोड़ो, जिनकी करीबन 3500 से 4000 रुपए कीमत है उन दो गेम्स की। देखो आप पैसों के मुकाबले में अगर प्राइस वाइज मुझसे पूछोगे तो RX 5700 बराबर है RX RTX 2060 के। ये RX और RTX के जवान मेरी नड़कला जाती है, RTX 2060 के बराबर है। वैसे कई RTX 2060 जो है आपको सस्ते मिल सकते हैं, यानी कि प्राइस आप चेक करना, दोनों के मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, खुद ही चेक करो। इसी तरह जो RX 5700 XT है उसकी प्राइस करीब करीब पड़ती है RTX 2060 Super के बराबर में, लेकिन उसी तरीके से RTX 2060 Super है उसकी भी कई की प्राइसेस कम है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखो, मैं इस समय जो ये 5700 और 5700 XT की बात कर रहा हूं, ये रेफरेंस कार्ड है ASUS के, AMD के सॉरी। अब आगे आने वाले जो थर्ड पार्टी वेंडर से आएंगे, सेफायर वगैरह से आएंगे, ASUS वगैरह से आएंगे, तो हो सकता है वो सस्ते पड़े आपको और कूलर भी अच्छे मिलेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नए वाले रेडियन क्वार्ट्स लॉन्च हुए हैं ये अच्छे हैं, पावर एफिशिएंसी के मामले में प्रॉब्लम नहीं है। जो गैप है NVIDIA और AMD के बीच में वो कम हो गया है बहुत ज्यादा, पहले ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, यानी कि आप AMD के ग्राफिक कार्ड्स की तरफ देखो तो थोड़ा सा मतलब घबराहट होती थी, पावर चूसते ज्यादा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी पावर एफिशिएंसी के मामले में NVIDIA आगे ही है। लेकिन आप ये सोचो, ये तब भी AMD अपना जो प्रोसेस है वो 7 नैनोमीटर पे ले आया है, NVIDIA अभी भी 12 नैनोमीटर पे है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। 7 नैनोमीटर 12 नैनोमीटर से क्या मतलब है, पावर एफिशिएंसी अभी भी NVIDIA की ज्यादा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप अगर NVIDIA के कार्ड्स की तरफ से जो आते हैं, कई ऑफरिंग्स आती हैं, देखो आपको RT कोर्स मिलते हैं, टेंसर कोर्स मिलते हैं, वो अपना रे ट्रेसिंग लेके आए हैं जो कि आपको इन कार्ड्स में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे नॉर्मल गेम रेंडरिंग बता दो IG, मुझे ज्यादा उन्हें RTX, RTX और रे ट्रेसिंग से मतलब नहीं है, तो एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है ये AMD की तरफ से, RX 5700 और RX 5700 XT, बहुत अच्छे। और मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा आप इंतजार करो, ये तो भी रेफरेंस कार्ड्स की बात चल रही है, 5700 XT जो ASUS, Sapphire इन सब की तरफ से आएंगे ना, वो तो और भी अच्छे कार्ड्स होंगे। ये जो आपका आर्किटेक्चर है ये RDNA आर्किटेक्चर है, यानी कि रेडियन DNA आर्किटेक्चर है, जो कि AMD की तरफ से आ रहा है, 7 नैनोमीटर पे प्रोसेस पे बेस्ड है। और जो कार्ड्स है, पहले इन पे आया करती थी HBM मेमोरी, जो पुराने वेगा वाले कार्ड्स थे वो बहुत महंगी पड़ती थी, सब ये जानते हैं, तो इन्होंने स्विच कर लिया है GDDR6 पे, जो कि बहुत अच्छी है। और ये कार्ड जो है ये PCI Express Gen 4 के लिए रेडी है, ऑल्दो फायदा ये कुछ नहीं उठा पाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अभी NVIDIA भी पता चलेगा, आप लिख के ले लो मेरे से RTX 2070 के आप प्राइस ड्रॉप होते हुए देखोगे, जो कि सीधा कम्पीट कर रहा है, सॉरी 2070 सुपर की बात कर रहा हूँ,
2070 जो आप डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ऑल्दो जो 2070 पुराने वाले हैं उनके भी प्राइस ड्रॉप होंगे, जो कि अच्छे खासे मुकाबले में खड़े होते हैं AMD कार्ड्स के, तो आप चेक करना प्राइस। देखो अगर आप परफॉर्मेंस बात करोगे ना, तो मैं आपको साफ साफ ऐसी बता दे रहा हूँ, जो RX 5700 है उसकी परफॉर्मेंस 2060 से तो ज्यादा है ही है, कन्फर्म्ड है ये तो, और बराबरी करती है वो 2060 सुपर के कई गेम्स में। और जब मैं कहता हूँ 2060 सुपर के बराबरी करती है, यानी कि वो पुराने वाले RTX 2070 की बराबरी करती है। और जो दूसरा कार्ड है 5700 XT, उसकी कन्फर्म्ड है कि हर गेम में 2060 सुपर के बराबर की तो परफॉर्मेंस है ही है, और कई गेम्स में तो वो RTX 2070 सुपर के बराबर की भी देता है परफॉर्मेंस। दूसरा एक बात बताऊं मैं, ये बराबर है इसके और उसके, उससे मतलब ही नहीं है, प्राइस से मतलब है। जब इनके प्राइस थोड़े ज्यादा थे तो कहानी कुछ और चल रही थी, जैसे ही AMD ने प्राइस ड्रॉप कर दिया अब कहानी कुछ और हो गई है। अभी कहो NVIDIA या AMD की तरफ से और प्राइस ड्रॉप हो जाए तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो सीधी बात जो डिपेंड करती है कि 5700 और 5700 XT और RTX 2060, 2060 सुपर, 2070 सुपर, ये सब कैसे हैं, सिर्फ प्राइस पर डिपेंड करता है। अब अगर प्राइस की बात है तो फिर तो पास्कल भी अगर आपको सस्ता मिल जाएगा तो आप तो वो भी ग्राफिक कार्ड पसंद करोगे। तो इस सब चीजों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, जो कि प्राइस आपको बताएंगे। सारी कहानी डिपेंड करती है कि RX 5700 और RX 5700 XT की प्राइस कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर ये ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो इनकी प्राइस हाई रहेगी, खूब अवेलेबल हो जाएंगे तो प्राइस लो हो जाएगा। जैसा कि आप नॉर्मली देख भी रहे हो, आपके 580 और 570 कितने सस्ते बिक रहे हैं, वही हालत इन कार्ड्स की भी हो सकती है अगर अवेलेबिलिटी बढ़ जाए तो। एक बुरी बात है जो आपको बता दूं मैं, जैसे कि अगर डिजाइन की बात करो ना, वैसे दोनों अच्छे हैं, वैसे डिजाइन में दो खामियां हैं। एक तो RX 5700 जो है उस पर इतना अच्छा खासा महंगा कार्ड है यार, सस्ता नहीं है, मिड रेंज में आ गए हो आप क्या सस्ते सस्ते खरीद रहे हो 1650 570, ये महंगा कार्ड है यार 5700, तो भी आपको बैकप्लेट नहीं मिलती, खुली आपको पीसीबी दिखाई देगी, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। दूसरा 5700 XT की तो डिजाइन ही ऐसी है, वो ऐसा लगता कार्ड गिर गया था, पिचक गया था, जैसे अमेजोन से आपका फ्रिज आया और एक साइड से पिचका हुआ हो। वो तो मुझे तो कुछ टाइम लग गया जब मैंने फोटोग्राफ देखे, नहीं डिजाइन ही उसका ऐसा है, वो पिचका हुआ नहीं है। मतलब ऐसा भी आपको डिजाइन होता है, मैं जानता हूं कि मतलब मैं ज्यादा नॉलेज नहीं है, और जो डिजाइनर्स भी होंगे, इंजीनियर्स होंगे AMD वाले, वो भी कहेंगे यार गंवार आदमी हो, तुम्हें डिजाइन की कोई पता ही नहीं है, तुम्हें पसंद ही नहीं आता कुछ भी। लेकिन वो आप देखो, मुझे कुछ मिनट्स लग गए, क्या आपको नहीं लगता कि वो डिजाइन बेकार है? कैसा है डिजाइन उसके बारे में आप बताना, बस डिजाइन की पूछ रहा हूं मैं आपसे, कार्ड की नहीं पूछ रहा, डिजाइन की बताओ, पिचका हुआ है, अच्छा लग रहा है आपको कार्ड? देखो ये सारे मिड रेंज के जो कार्ड है ना, और ये RX 5700 और 5700 XT की आपको स्पेसिफिकली कहूं, फुल HD पे तो गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको टॉप की हाई रिफ्रेश रेट वाली अच्छी सेटिंग वाली गेमिंग कराने की आए। मिड रेंज के ग्राफिक कार्ड्स भाई सस्ते कार्ड थोड़े ना है, यही काम 2060 सुपर और 2060 यही सब करवाते हैं आपको, तो आप फुल HD की हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग कर सकते हो, साथ में आप क्वाड HD गेमिंग कर सकते हो, 1440p वाली यानी कि 2K गेमिंग कर सकते हो, बेहतरीन मिड रेंज वाले ग्राफिक कार्ड्स का यही काम है। दो पावर कंजम्पशन की तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इन्होंने करीब करीब गैप क्लोज ही कर दिया है, लेकिन पावर एफिशिएंसी भी अभी NVIDIA थोड़ा सा आगे है, कि तब भी बहुत बड़ी बात है कि आप अगर आप AMD का ग्राफिक कार्ड खरीदने जाओगे तो आपको घबराना नहीं है, बहुत पावर एफिशिएंट कार्ड्स हैं। और ऐसा बहुत लंबे टाइम में अब हुआ है, हमेशा आपको मैं जो बात कहते हैं ना, हम लोग बहुत गर्म होता है और हम जो है कंप्यूटर केस खरीदने से पहले देखते हैं कि AMD को कौन सा कार्ड लगाने जा रहे हो, NVIDIA का लगाने जा रहे हो, फिर पंखे उस हिसाब से डिसाइड होंगे, तो ये सब अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत सालों में पहली बार हुआ है कि इतने अच्छे और ठंडे ग्राफिक कार्ड्स आए AMD की तरफ। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, NVIDIA ने तो चॉइस नहीं थी, मैं आपको बता ही चुका हूं कि कार्ड्स जो थे, जो GPU था वो बड़ा था, पावर एफिशिएंट था, लेकिन वो गर्मी बहुत निकालता था, तो उनके पास चॉइस नहीं थी, ब्लोअर स्टाइल कूलर भी लगाते वो भी, लेकिन उन्होंने लगाए ट्विन फैन वाले। आप देख भी रहे हो मैंने दो कार्ड्स NVIDIA के रख रखे हैं ट्विन फैन वाले, लेकिन अब सीधी बात ये है कि AMD ने यूज नहीं किया ट्विन फैन, क्योंकि कई बार कंपनियां क्या होती है, अपने बोर्ड पार्टनर्स के लिए कुछ छोड़ देती हैं, NVIDIA के पास तो चॉइस भी नहीं थी, और NVIDIA की तो थोड़ी अपनी चलती भी है, तो वो अपने बोर्ड पार्टनर्स को भी अड़का करता है कि हम जो भी करना चाहेंगे वो करेंगे, क्या मजबूरी भी थी, लेकिन AMD ने चूज किया अपना ब्लोअर स्टाइल कूलर। तो सीधी सी बात है फाउंडर्स एडिशन में इस समय जो ब्लोअर स्टाइल कूलर है AMD का वो बेकार है, मतलब इतना भी बेकार नहीं है क्योंकि पावर एफिशिएंट हो गए हैं, लेकिन अगर आप फैन वाले मॉडल्स के मुकाबले में बात करो तो वो बेकार ही होता है। दूसरा ये कार्ड्स अच्छे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए RTX RTX उनके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि स्ट्रीमिंग भी करूंगा तो NVIDIA पर अपना डेडिकेटेड एनकोडर आता है,
आपको पता है डेडिकेटेड स्ट्रीमर्स के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। अच्छी चीज कैसे हो सकती है वो स्ट्रीमर्स के लिए, क्योंकि आपको अपने जो सीपीयू है अगर आपने कमजोर लगा रखा है तो उस पर ना जोर नहीं पड़ेगा। वैसे तो सीपीयू एनकोडिंग भी हो जाती है इस स्ट्रीमिंग के लिए, लेकिन अगर आपका डेडिकेटेड बिल्ट इन हार्डवेयर आ रहा है ग्राफिक कार्ड पे तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। ऑल्दो अगर आप स्ट्रीमर नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एएमडी के अंदर भी आती हैं ये सब टेक्नोलॉजी स्ट्रीमिंग को हेल्प करने के लिए, और भी एएमडी के अंदर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो एनवीडिया के मुकाबले में ही हैं। जैसे डीएलएसएस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप स्केलिंग के लिए एनवीडिया में है, वो एएमडी में भी है। अगर आपको इन सब ग्राफिक कार्ड्स के बारे में और जानना हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कीजिएगा, इनके प्राइसेस जरूर चेक कीजिएगा। कहानी प्राइसेस और अवेलेबिलिटी पे आके बात करती है। इसका क्या मतलब है 5700 XT वर्सेस जो है 2070 सुपर, प्राइसेस की बात है, वो वर्सेस तो किसी में भी हो जाएगा। अब आज मुकाबला हो रहा है 1650 और 570 के बीच में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया कमेंट चैनल। मैं तो आपको वीडियो मतलब तक लिए गुड बाय डाटा।